हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूरती इडा बनाने वाले हैं और इडा बनाने के लिए जो बैटर का यूज़ करेंगे वो बैटर भी हम घर पे ही बनाएंगे। तो वो बैटर कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डोसा बैटर ले लिया है, तो इस बैटर से आप डोसा, इडली या तो उत्तपम कुछ भी बना सकते हैं। उसमें हम ग्रीन चिली और नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब जिस भी बर्तन में हमें इडली तैयार करना है उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो आप बेकिंग सोडा डालने से पहले ही बर्तन को ग्रीस कर लीजिए और उसी के बाद हमें बेकिंग सोडा डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने के बाद तुरंत ही हम उसे कुक करने के लिए रख देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, उसे मिक्स कर लेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है। तो जितने ही बैटर का आप इडली बनाना चाहते हैं उतने में ही आप बेकिंग सोडा डालिए। सारे बैटर में एक साथ बेकिंग सोडा मत डालिए, वरना आपके जो इडली है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब जिस बर्तन में हमने ऑयल ग्रीस किया था उसमें हमने बैटर डाल दिया है और ऊपर से ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देंगे। ढक्कन ढक के 15 से 20 मिनट हमें कुक होने देना है, हाई फ्लेम पे ही कुक होने देंगे। 20 मिनट के बाद हमारे इडली तैयार हो चुके हैं, बाहर निकाल लेंगे और उसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद कट लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिया है। आप इस बैटर को बना के 3-4 दिनों तक रख सकते हैं और जब भी आपको मन चाहे तब आप इडली बना सकते हैं। तड़का लगा लेते हैं, उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, राई और तल ले लेंगे, ऊपर से थोड़ा करी लीव्स और रेड चिली पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारे इडली पर इसका तड़का लगा लेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। तो तैयार है हमारे बिल्कुल बाहर जैसे ही सूरती इडली, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपके इडली इस तरह के स्पंजी नहीं बनते हैं तो मैंने जिस तरह से बैटर बनाया है उस बैटर की रेसिपी से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना।